दोस्तों मेरे पास सामने पेशेंट बैठी डायबिटीज की जो इंसुलिन ले रही हैं, उनका शुगर बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, कितना कितना जाता है 35-45 पर भी हो जाता है कभी। ये वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब डालूंगा भाई साहब, ठीक है, लोग और समझने के लिए, ठीक है। तो मैंने देखा इनका कि आज से कुछ दिन पहले इनका शुगर जो है खाने पर 35-44 आ गया रात को हाँ। और अगले दिन 370 भी आ गया हाँ। फिर नॉर्मली लंच के बाद शुगर 460 आ रहा, कभी कभी 105 आ रहा है, खाली पेट शुगर, पर अधिकांश शुगर आपका हाई है, अधिकांश शुगर हाई है। तो सुन लीजिए, अक्सर जो फ्लक्चुएट होता है, जैसे कि आप इंसुलिन एन लगाते हो, एन में क्या होता है कि और एन के देखोगे तो इंसुलिन लाए हो क्या? नहीं। जब इंसुलिन होती देखो ऐसे होती है, ये नीचे वाइट कलर की जम जाती है, वो इंसुलिन होती है, ऊपर पाउडर होती है, इसको मिक्स करना पड़ता है। मिक्सिंग करते हो आप इसको? नहीं तो फिर समझो, अगर आप इसको मिक्सिंग के लिए 10 बार ऊपर नीचे कर दिया, फिर 10 बार ऊपर, 10 बार ऊपर नीचे, ऐसे कर 10 बार कम से कम, फिर लिटा करके फिर 10 बार, इससे क्या होगा इंसुलिन जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फिर अब अगर आप सुबह कितना लगाते हो, एन कितना लगाते हो? N 30, और 30 भरो 30 निकलेगा। अगर ढंग से मिक्स नहीं करोगे तो आप भरोगे 30 और कभी पाउडर रह गया ऊपर इधर तो 30-40 लग जाएगा, कभी खाली पानी लगे 10 लगेगा, तो फ्लक्चुएट करेगा। सिमिलरली ह्यूमन और मिक्स का भी है, ये मिक्स वाला इंसुलिन अगर ढंग से मिक्स नहीं करोगे तो कभी इंसुलिन कम जा रहा है, तो कभी शुगर 50 कभी शुगर 500 आएगा। तो पहली गलती प्रॉपर मिक्सिंग, सेकेंड गलती होती है जगह बदलना। तो इंसुलिन कहाँ लगाती हैं आप? पेट पे। कहाँ पर? इधर यहाँ बैठिए, पेट पे कहाँ लगाती हैं? ये नाभि के 4 इंच हाँ, तो ये यहाँ लगा, ठीक। फिर कल कहाँ लगाएंगे? कल तो दो होती है ना, जैसे दो लगानी है, एक इधर लगा दूं, एक इधर। और फिर कल भी मैंने ऐसे नोट नहीं किया, कभी थोड़ा सड़क पे लग गया या कभी उसी पे ही लग गया। नहीं बहन, तो ये गलती सुनो, हाँ आपका वीडियो पेरे फुल वीडियो खींच सकता हूँ? हाँ हाँ, मेरी समझाएंगे। सुनो बहन जी, बताइए आप, चेहरा नहीं आएगा, ये पेट कहाँ? तो आप बताइए इंसुलिन कहाँ लगाती हैं? यहाँ लगा, आज लगाया, शाम कल कहाँ लगाएंगे? शाम को भी अप्रोक्सीमेट यही फिक्स नहीं है। तो दूसरी बहुत बड़ी गलती होती है जगह न बदलना। आप सब जान लो, ये पेट पे नाभि चारों तरफ चार उंगल छोड़ करके कहीं लगाना है, चार उंगल छोड़ के, सुन लो, कभी यहाँ 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 कभी यहाँ, एक पेट पे आप निशान बना लो, ऐसे करके देखो, इसी से पहले निशान बनाओ, उस पर देखो, आपने पहले चार उंगल हटा दिया, ये तो चार उंगल जो है ये आउट हो गया, यहाँ नहीं लगाना है। फिर क्या करो, पेट पे एक निशान बनाओगे आप, एक बीच में ये बन गया, एक यहाँ बाहर, फिर एक ऊपर और एक ऐसे नीचे, मतलब नीचे भी लगा सकते, कहीं जहाँ पहुँच जाए। और सुन लो, ऐसे लगाओगे संडे मॉर्निंग, ठीक उठा संडे इवनिंग, मंडे मॉर्निंग, मंडे इवनिंग, ट्यूसडे मॉर्निंग, ट्यूसडे इवनिंग, उस साइड वेडनेसडे मॉर्निंग, थर्सडे, फ्राइडे, से इतना जगह पर चेंज हो गया। एक कैलेंडर पर निशान मान लो कि हमें लेफ्ट ऐसे गए, सिर्फ पाँव के अंदर आपने देखो एक निशान ऐसे कर दिया, एक ऐसे कर दिया, एक ऊपर नीचे, पाँव में कभी नहीं लगाना आपको। तो पाँव में इस तरह हो गया संडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग, ट्यूसडे मॉर्निंग, वेडनेसडे मॉर्निंग, थर्सडे मॉर्निंग, सैटरडे, इसे उधर हो गया, तो आपको जगह बदलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह सेकेंड गलती हो रही इंसुलिन मिक्सिंग, पहली गलती, दूसरी जगह बदलने में। एक ही जगह मान लो यहाँ लगाया हाँ। और फिर परसों यहाँ लगा दिया, फिर कल से यहाँ लगा दिया, तो जब एक ही बार बार लगाओगे तो खून की नस जो है वो क्या होती है, उसमें क्लॉट जमता जाएगा, वहाँ इंसुलिन जॉब नहीं होगी,
कभी कभी थोड़ा हटके लगा तो काम करेगी, वहाँ काम नहीं करेगी, तो कभी इंसुलिन काम करे कभी नहीं करेगी, इंसुलिन शुगर आपको फ्लक्चुएट करता रहेगा। ये हो गया। अब जो है इसके बाद सही देखो, ठीक सेट कर, ठीक है ना, सही है। अब ये थाई पे लगाना है कहीं भी, पहले वहाँ लगाओ फिर वहाँ लगाओ, नहीं नहीं इस तरह सुबह दोपहर रात सोते समय जब हो गया। नंबर टू, नंबर थ्री होता है इंसुलिन रेजिम गलत है। अगर आप पांच इंसुलिन लगा रहे हो तो बेस्ट होता है एक शॉर्ट एक्टिंग ब्रेकफास्ट से पहले। हमारी कई इंसुलिन आती है जो कि केवल कुछ जो लेटेस्ट फास्ट एक्टिंग होती हैं, अल्ट्रा फास्ट एक्टिंग केवल 3 मिनट काम करती हैं, नाश्ते से पहले अल्ट्रा फास्ट एक्टिंग, लंच से पहले अल्ट्रा फास्ट एक्टिंग, डिनर से पहले एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन रात सोते समय। रात खाना कितने बजे खाती हैं आप? मैं डेली तो 7:30-8 बजे तक खा लेती हूँ। ये बहुत बड़ी गलती, मैं वीडियो सुना डाला मैंने। हाँ। इंसुलिन एन जो है ये काम करती केवल 10 से 12 घंटे, और जब पीक इफेक्ट आता है करीब 6 घंटे बाद। इस इंसुलिन कभी और रात को 7:30 पर लगाना अलाउड नहीं है, और 7:30 से पहले लगाओगे मान लो आप 7:30 लगा लिया आपने, तो इसका असर शाम सुबह 5:30 तक खत्म हो गया, फिर सुबह बढ़ना शुरू हो जाएगा। ज़्यादातर 3:30-3:30 बजे मेरे को लो हो जाता है। क्या बोला मैंने, इसका असर पीक आता 6 घंटे बाद। हाँ। और आप 7:30 लगा दिया तो पीक इफेक्ट आएगा 1:30 बजे, 6 घंटे बाद। और बॉडी का डिफेंस सिस्टम ऐसा होता है कि रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में इंसुलिन रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। इसलिए मैं पर्ची लिखा हुआ एक जगह, रात को 1:30 पर इंसुलिन न लगाएं। ये वाली जो जितनी लॉन्ग एक्टिंग है, एन वाली है, मिक्स स्टार्ट है या यू वाला मिक्स है। एक सेकंड, ये मिक्स तो इसलिए स्टार्ट की थी वेट में, अभी करिए पहले ज़्यादा की थी क्योंकि ये जनरली ज़्यादा आ रही थी, इससे ज़्यादा आ रही थी क्योंकि आपकी जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन एन ठीक नहीं है, आप दूसरी इंसुलिन जो रियल लॉन्ग एक्टिंग होती है तो आप मिक्सिंग ढंग से नहीं कर रहे हो, जगह नहीं बदल रहे हो, इंसुलिन रेजिम भी गलत है, इंसुलिन लगाने टाइम भी गलत है, प्लस सोते समय कुछ खाना पड़ता है। वो तो दूध और बिस्किट ले लेते लेते हो हम ना। हाँ, 10 बजे 10:30 बजे तो ये जितनी गलतियाँ करेक्ट करोगे, प्लस मेरा एक वीडियो है इंसुलिन इंजेक्शन टेक्निक, प्लस इंसुलिन कई वीडियो डाल रखा है, प्लस एक ही सुने समझे, तो डाइट का इंसुलिन मैच करिए, मात्रा फिक्स रखिए। शुगर फिक्स सिस्टम क्या होता है कि अगर सब गलती नहीं कर रहे हो तो आप खाली पेट अगर 120 से ऊपर है एक एक बढ़ाना पड़ता है, सॉस कम एक घटाना पड़ता है, इस तरह नाश्ते लंच डिनर के बाद 180 के बढ़ जाते हैं एक बढ़ाना पड़ता है, और लेस देन 140 एक घटाना पड़ता है। तो पूरा समझाते हैं आपको, और होपफुली विद इन 7 से 10 दिन शुगर आपका नॉर्मल हो जाएगा और फ्लक्चुएशन भी नहीं होगा।